मायावती ने एक बार फिर बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश को बनाया है, तो वहीं दलितों के मसीहा चंद्रशेखर उभरे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इस पर अपना विचार रखेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आकाश जी पसंद हैं या चंद्रशेखर जी पसंद हैं? देखिए, सबसे पहले इंडिया 18 न्यूज आप लोगों को, जो आप लोग आए हैं इस क्वेश्चन को जानने के लिए, मैं अपने तरफ से और अपने टीम की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। रही बात कि श्री चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद जी दोनों में कौन सुप्रीम है, देखिए मैं बता दूं कि आज संघर्ष का ज़माना है और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बहन जी हो, चाहे आकाश जी हो या चंद्रशेखर रावण हो, जो व्यक्ति दलित हित की बात करेगा, जो व्यक्ति हर दलित समाज के, चाहे जो भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे माइनॉरिटी समाज के हों या ओबीसी समाज के हों या अनुसूचित जाति के हों, जहाँ कहीं भी दबाया जाता है, अगर उनके हित की बात करेगा, उनके दुख सुख में शामिल होगा, हैं, तभी का नाम है कि ये माना जाएगा कि दलितों का असली नेता कौन है। एक सवाल सीधे तौर पर हमको जवाब दीजिए, कौन पसंद है? देखिए, जहाँ तक आपका ये बात है कि चंद्रशेखर रावण पसंद है या आकाश आनंद जी, तो आज जिस तरीके से पूरे भारत में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उस हर मुद्दे पर भाई चंद्रशेखर रावण खड़े हो रहे हैं और हर जगह वही जाते हैं, हर संघर्ष में वही शामिल रहते हैं। इसलिए भाई चंद्रशेखर रावण सबसे नंबर एक पर आएंगे दलितों के मुद्दे के हित पर लड़ाई लड़ने के लिए। अगर ऐसा भविष्य में आकाश आनंद जी इनको लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, तो माना जाएगा कि वो अभी दलित मुद्दे के हित को लेकर दलितों का नेता हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा। आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आकाश जी पसंद है या चंद्रशेखर जी पसंद है, कौन पसंद है, क्यों पसंद है? जो ये आपका सवाल है, ये बड़ा टिपिकल है, क्योंकि दोनों नेता जो है अपने आप में, उनकी दोनों अलग अलग स्थान है। और इनको मैं कंपेरिजन करें कि भगवान बुद्ध जो है एक राजे के खानदान से थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बड़े बॉटम लेवल से और टॉप लेवल पे अपना विचार दिया था। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो आनंद जी हैं वो, उनका परिवार बहुत अच्छा राजनीति से है, राजनीति से बिलोंग करके आए हैं। और चंद्रशेखर जी हैं जो, वो भी एक बहुत बॉटम लेवल से उभरे हुए हैं, ये दोनों अपने आप में सही हैं। आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन पसंद है? चंद्रशेखर भाई पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो सड़कों पे आ करके पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं। आए दिन कहीं भी अत्याचार होता है, सबसे पहले चंद्रशेखर भाई पहुँचते हैं, किसी भी प्रदेश में हो चंद्रशेखर भाई पहले पहुँचते हैं। दलितों पर अत्याचार हो, चाहे मुस्लिमों पर अत्याचार हो, चाहे किसी भी वर्ग के महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ अत्याचार हो, सबसे पहले वो पहुँचते हैं। जमीनी नेता हैं वो, जो है कि 18 महीने जेल काट करके भी आए हैं ऐसी समाज के लिए। चाचा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने आकाश का भी नाम सुना, चंद्रशेखर का भी नाम सुना, अब चंद्रशेखर चुनाव जीत भी गए, इस पर आपका क्या कहना, आप दोनों में कौन पसंद है? दोनों में पसंद करना असंभव की बात है, ठीक ना। रही बात ये कि इन्होंने अभी मौका मिला है, पहले से कार्य कर रहे हैं, तो जनता के बीच में अभी छाए हुए हैं, इनको भी अभी छाने का अभी मौका मिलेगा। अब दोनों का कार्य शैली का तुलना करके ही इसका निष्पक्ष आपको सवाल का जवाब मिल सकता है, अभी तो नहीं दिया जा सकता है। आपसे जानना चाहते हैं भाई सब, कौन पसंद है दोनों में? दोनों लोग अपने अपने स्थान पे सही हैं, दोनों लोग पसंद हैं। अगर आपको पसंद करने की छूट दी जाए तो किसको पसंद करेंगे? दोनों लोगों में तुलना किया जाए तो जैसे अपने अपने जगह पे तो दोनों लोग ठीक हैं, और हमारे लिए दोनों लोग पसंद हैं। अच्छा, आपके लिए दोनों लोग पसंद है। आपसे जानना चाहते हैं कि आपको कौन पसंद है, चाहे आकाश जी हों चाहे चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी इसलिए पसंद है हमको क्योंकि वो कोई भी बात जो है, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बातों को उठाते हैं, जमीन स्तर से जो भी चीज़ें हैं हमारे समाज के लिए, उसको वो सामने रख के बात करते हैं, इसलिए हमको वो ठीक लगते हैं, पसंद है। चंद्रशेखर जी का नाम सुना होगा, आपको उन दोनों में कौन पसंद है? हमको दोनों पसंद है, मगर राजनीति में जो है
नए नए दोनों लोग भरे हैं, चाहे आनंद जी हों या चंद्रशेखर जी हों, उत्थान करने वाले बहुजन समाज पार्टी के ही हमारे नेता आनंद जी हैं। आ उत्थान कर सकते हैं ये लिए कि अभी नए रास्ते लिए, लेकिन चुनाव तो चंद्रशेखर जी भाई उससे क्या हो गया, चुनाव तो आप भी जीत सकते हैं। अच्छा। हम भी चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकते हैं अपने बलबूते, चुनाव लड़े जीत गए, बहुजन समाज पार्टी के लोग उनको वोट किए। अच्छा। तब चुनाव जीत गए, क्या कर ले जिन चुनाव जीत गए। अच्छा, आपको खुली छूट दी जाती है दोनों में चुनने के लिए, किसको चुनेंगे। मैं सबसे पहले आनंद जी को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे। इसलिए चुनेंगे कि उनका पूरा परिवार ये बहुजन समाज पार्टी का ही उत्थान किया। बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांसी राम आए, उसके बाद बहन कुमारी मायावती आई, और सबसे पहले उत्थान उसने किया, काम उसने किया बहुजन समाज पार्टी का, दलितों का काम किया। आज जो है रावण जो है आज नए नए आए हैं और नए नए उभरे हैं, तो अब उनकी कार्यशैली देखेंगे कि अब क्या करेंगे। अभी जैसे चाचा जी बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर जी भी राजनीति में नए नए आए हैं, उभरे हैं, भले चुनाव जीत गए हैं, लेकिन दलितों के असली मसीहा तो मायावती हैं या मायावती का परिवार है, चाहे मायावती के जो अन्य लीडर हैं, तो आप बताइए इस पर आपकी क्या राय है। जी, सबसे पहले हम बताएंगे कि राजनीति के अनुभव, जो अनुभव जो राजनीति की पूरे अपना कैरियर ही उसमें लगा दिया केवल दलितों के उत्थान के लिए, सबसे पहले उसको प्राथमिकता हम लोग राजनीति में देंगे। दलितों के हित की बात करने वाला, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले, बहन जी ने जितनी लड़ाई लड़ी है, अपनी सारी अपने लाज हाया सब छोड़कर, अपने गंवा कर उन्होंने जिस तरह दलितों का उत्थान किया है, उस तरह से अभी चंद्रशेखर रावण जी ने नहीं किया है। इसीलिए मायावती जी को और आकाश आनंद जी को पसंद करेंगे, क्योंकि अनुभव थोड़ा है इनको कम है, लेकिन अब धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, क्योंकि इनके पारिवारिक जो हैं दलितों के लिए अपने पूरे ज़िंदगी निछावर इन्होंने कर दी। पूरी ज़िंदगी निछावर करने के बाद दलितों की बात किए, दलितों की लड़ाई लड़ते रहे, उनके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी भी अब उत्थान कर रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव तो अभी कम है, लेकिन बहन जी के आधार आनंद जी जो आ रहे हैं, इनको अभी राजनीतिक सीख लेना जरूरी है। ये थे हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने आकाश और चंद्रशेखर पे अपनी बात रखी। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट।